हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवं स्टडी। आज की वीडियो है कि आप कैसे डाउनलोड करें एचटेट का एडमिट कार्ड। और आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है मुझे कि मैम हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, साइट नहीं ओपन हो रही है, कैसे डाउनलोड करें, डाउनलोड के बाद क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सेंटर के ऊपर क्या क्या लेके जाएँ। ये सारी क्वेरीज मुझे आ रही हैं और इन सब के सोल्यूशन के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कीजिए। आप www.htetonline.com पे जाइए, वहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहे हैं। पहले ये सिंगल ऑप्शन था डाउनलोड एडमिट कार्ड, लेकिन ड्यू टू कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन आ गए हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और जो बच्चे पासवर्ड भूल गया उनके लिए भी सोल्यूशन कर दिया है। देखिए आपको आ गया है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑप्शन। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए तो आप इस ऑप्शन पर जाइए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, आधार कार्ड नेम, अपना जो नाम है जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर आपने लिखा हुआ है, और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और सर्च कीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। जिन सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं, कैसे लॉगिन करें, कैसे डाउनलोड कीजिए, तो इन सब के लिए ये सोल्यूशन है। वो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पर जाइए, आधार नंबर तो सभी के पास है, अपना आधार नंबर, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड को। जिस लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड लॉगिन कीजिए और आपके सामने क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये ऑप्शन आएगा, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए, यहाँ पासवर्ड फिल कीजिए, यहाँ पे आप अपना लेवल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आपको वहाँ पे फोटोग्राफ लगानी है। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम देने से पहले। देखिए विजिट द सेंटर बिफोर द एग्ज़ाम टू कन्फर्म द लोकेशन ऑफ द सेंटर। आप एक बार जाके आपके कोई रिलेटिव रहते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे आपका पेपर है तो उनको भेज के एक बार सेंटर की लोकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए कि वो कितने डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा ना हो जितना आप एग्ज़ाम देने जाए आप पूरे टाइम से निकले और आपको एग्जामिनेशन सेंटर ही ना मिले और आप एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाए। क्योंकि क्लियरली बता दूँ एग्जामिनेशन में अगर आप 5 सेकेंड भी लेट हैं तो वो आपको एंटर नहीं करने देंगे। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम से कम आधा एक घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में एक घंटा पहले ही आपको अंदर आने देंगे, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो आप अपने सेंटर को पहले से ही देख ले कहाँ पे है, कहाँ पे आपको जाना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू एट लीस्ट 2 hours 10 minutes बिफोर टू कम्प्लीट द कंपल्सरी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 2 hours 10 minutes पहले पहुंचना है। तो आप देखिए 2.5 घंटे पहले आपको पहुंचना ही पहुंच जाइए आप वहां पे, क्योंकि वहां पे आधार बेस्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आपकी फिंगरप्रिंट मैचिंग करेंगे, कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करेंगे, फ्रिस्किंग विद मेंटल डिटेक्टर एंड अदर फॉर्मुलेट एज वेल बिफोर द टाइम एंट्री विल बी क्लोज 60 मिनट प्रियर टू द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आपको एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप अपने टाइम को देख के चलिएगा, आपको सेंटर पे 2-2.5 घंटे पहले पहुंच जाइए और कम से कम 1 घंटा पहले आपकी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री ही नहीं होगी, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। यूज़ ओनली ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है पेन फॉर गिविंग द आंसर ऑफ OMR शीट। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी विद देम इनटू एग्जामिनेशन हॉल ओनली अ फ्यू आइटम्स। सिर्फ देखिए आप यही आइटम लेके जा सकते हैं, अपना कलर्ड एडमिट कार्ड जो भी कलर होना चाहिए हमेशा आप देखिए, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ है उसके ऊपर, तो आपको उसका कलर प्रिंट आउट ही निकालना है। ब्लैक या ब्लू जो पेन है आपका पॉइंटेड पेन, ठीक है, कन्फर्मेशन पेज एंड आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड। तो अगर आपके पास कन्फर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आपको एग्ज़ाम में जाना अलाउड नहीं होगा। और आपकी जो फोटोग्राफ है वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई है, स्क्रैच हो गई है आधार कार्ड की, तो नया आधार कार्ड निकाल लीजिए, क्योंकि
जरूरत भी अगर आपकी फोटोग्राफ खराब होगी तो आप सॉरी एग्जाम में एंटर करने नहीं देंगे। अ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड कन्फर्मेशन पेज विल बी सबमिटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद द सेम फोटोग्राफ कलर्ड एंड सिग्नेचर एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट शैल अफिक्स थंब इम्प्रेशन ऑन द कन्फर्मेशन पेज इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरवाइजर। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ विदाउट दिस। तो आपको क्या करना है, आपने जो थंब इम्प्रेशन है आप वो कन्फर्मेशन पेज पे लगाना है उनके सामने, जो आपके सुपरवाइजर होंगे उन्हीं के सामने, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अगले की, ऑल ऑर्नामेंट एनिमेटेड डिटेक्टर कैमरा वॉच कैलकुलेटर मोबाइल पेजर ब्लूटूथ ईयरफोन टैबलेट हेल्थ बैंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी आपको लेके जाना अलाउड नहीं है। कोई पेंसिल नहीं, कोई इरेजर नहीं, नथिंग, जस्ट आपकी ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना है। उसके अलावा कुछ भी आप ना आप अपना कोई जो फीमेल कैंडिडेट है उनको स्पेशली बता दूँ कि आप कोई भी ऑर्नामेंट मतलब आप गहने रिंग्स इयररिंग्स चेन्स सब कुछ पहले ही निकाल के दिए, क्योंकि आपको कुछ भी मेटल का अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होगा। तो आपके जो भी महंगे गहने हैं उनको घर पे ही छोड़ के जाइएगा। उसके अलावा कोई भी वॉच वॉच कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में। आगे बात करते हैं, द कैंडिडेट हैज टू शो हिज कलर एडमिट कार्ड टू द इनविजिलेटर। तो आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है इनविजिलेटर को, और वो भी कलर्ड, याद रखिएगा ठीक है, जब भी वो पूछे। इन द केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्रिमिनल एक्शन विल बी टेकन। अगर आपने कुछ भी इनमें से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की गई है तो आपको क्या होगा, आपको क्रिमिनल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली आफ्टर हैविंग हिज ओएमआर शीट। अगर जब आप अपना ओएमआर शीट दे देंगे और टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर को लीव कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन बुकलेट। जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बुकलेट कैसी आएगी और एमआर शीट कैसी आएगी, कैसे उसे फिल करें और उसके ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपको फॉलो करनी है। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड सेट नंबर ऑन टू द ओएमआर शीट। जो भी आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा और जो आपका सेट नंबर होगा वो आपको ओएमआर शीट पे जरूर लिखना है। If a candidate is found using any kind of unfair mean, her result will be cancelled. ठीक है, and he or she also be disqualified from addition to the other legal action. तो आपका अगर आपने कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश की है तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। द डिफ्रेंसीएबल कैंडिडेट, जो CWSM कैंडिडेट्स हैं ठीक है, जिन तो उनको इंक्लूडिंग ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर अनेबल टू राइट हिज ओन हैंड आर रिक्वायर टू अपीयर एट द सेंटर विद CMO और मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर राइटर टू लेटेस्ट फोटो ऑफ द राइटर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ राइटर। इफ अनेबल टू अरेंज द रिटर्न राइटर देन कॉन्टेक्ट द सुपरवाइजर और हेड इन द राइटिंग लेटेस्ट इन राइटिंग at least 2 days before the examination in between 1 to 4 PM. The facility of subscribe may be allowed to any person who was differentiable of 50% in visual impairment category or unable to write with his or her own hand. If so desired by the person, all such candidate will give 50 minutes extra. So kya hai? जो भी डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट है उनको जो भी उनका राइटर है एक तो CMO का सर्टिफिकेट लेके जाना है और उसके साथ क्या है अपने राइटर को लेके जाना है, उसकी 2 फोटोग्राफ उसका ID प्रूफ लेके जाना है। और अगर आपका राइटर अरेंज नहीं हो पाया है तो आप क्या कीजिएगा, आप 2 दिन पहले आपको जो सुपरवाइजर है सेंटर में उसको 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉन्टेक्ट करना है ठीक है। और जो राइटर है वो सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जो 40% से ज़्यादा डिसेबल है, स्पेशली जो विजुअली 40% से ज़्यादा नहीं दिख सकते हैं उनके लिए राइटर की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे। और आपको क्या है 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम में। द डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर अनेबल टू राइट विद हिज और हर हैंड नॉट अवेल द फैसिलिटी ऑफ सब्सक्राइब मे आल्सो अलाउ। अगर आप विजुअली एबल डॉट अगर आप आपको ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम है विजुअल की और अगर आप अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं तो उस चीज़ में आपको क्या है 50 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो ये थी इंस्ट्रक्शन जो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेंगी, इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम अपना दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की है तो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगली वीडियो से मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि ऐसे और मार्कशीट भरे, एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। मेरे चैनल HTET से रिलेटेड और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।